नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वन विभाग के अतिक्रमणों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के विरोध में कई क्षेत्रों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मंडोर क्षेत्र व चांदना भाकर क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और वन विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। मंडोर क्षेत्र के लोगों को मिले नोटिस में बताया गया है कि जल्द ही अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि लोग वन विभाग के कार्यालय पहुंचे और बताया कि उनका 20 साल से भी ज्यादा पुराने मकान है और वन विभाग ने उनको पट्टे दिए थे। वहीं चांदना भाकर क्षेत्र के लोग भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और वन विभाग के नोटिस के खिलाफ मोर्चा खोला। ज्योति नगर चांदना भाकर में हम रह रहे हैं और जिसके पास भी लाइट पानी का डॉक्यूमेंट है उसको एकदम अचानक नोटिस दिया गया है और हम 40 सालों से यहाँ बैठे, हम कहाँ जाएं बताएं। सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि हमें हमारी ज़मीन से ना मुक्त करें और हमें वहीं रखें और हमें हमारी जगहों को मतलब वन मुक्त करें। मुख्यमंत्री से यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। नाम बताओ आप। मेरा नाम सोन लाल है, ज्योति नगर चांदना भाकर से। हाँ यस बताओ। पूरे जोधपुर के अंदर 12 बस्तियों को नोटिस दिया गया है और समस्त जोधपुर से सभी को वन मुक्त करें, ये हमारे मुख्यमंत्री जी से आवेदन है। धन्यवाद। और निवेदन है और अपील। आज हम जोधपुर कलेक्टर साहब के पास एक ज्ञापन पेश किया है। उस ज्ञापन के अंदर हमारी जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो कच्ची बस्तियों के खिलाफ दिए हैं और सही तथ्य उनके सामने पेश नहीं किए गए और इस कच्ची बस्तियों के अंदर करीब 80,000 मकान हैं और 4,00,000 की आबादी रह रही है। अगर ये 4,00,000 की आबादी अगर बेघर हो गई तो इनको सरकार कहाँ शिफ्ट करेगी और कहाँ रखेगी। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि आपके माँ अधिवक्ता को हाईकोर्ट के अंदर पेश करके इस याचिका को पुनः सुनी जाए और नहीं तो ये जोधपुर की जनता बाहर आएगी और फिर क्या होगा वो सरकार को बना सकते हैं, किसी को पता नहीं है। और केंद्र सरकार एक तरफ तो बात कर रही है कि हम गरीबों को बसाएंगे और यह एक एक शहर के अंदर 4,00,000 लोगों को उजाड़ रही है। ये मोदी की नीतियां हैं, ये सरकार की नीतियां हैं और ये भजनलाल सरकार, ये तो चिट्ठी सरकार है। वहां से जो चिट्ठी आती है उस पर सुनवाई होती है, यहाँ से हमारे विधायक बेचारे चिट्ठी भेज रहे हैं उस पर ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर ये फैसला नहीं लिया तो जोधपुर की जनता बाहर आएगी और लाखों की तादाद में बाहर आएगी और जोधपुर का जो भी असर होगा वो जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक है।